नमस्कार, वीरी टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरी का पेशा बांदा में एक बार फिर शर्मसार हो गया, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 3 साल के 2 मासूम बच्चों का पैर काटना पड़ेगा। घटना बांदा जिला अस्पताल की है, जहां बछेरा गांव के रहने वाले उमाकांत कुशवाहा अपने बेटे सत्यन और पीपरी गाँव के रहने वाले 3 साल की मासूम बच्ची को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर विकास जीत के पास गए थे। बच्चों के पैर में चोट आई हुई थी, जिस पर परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर विकास दीप ने लापरवाह तरीके से दोनों बच्चों के पैर में गर्म पट्टी बांध दी, जिसके बाद पैर में ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया और जब बच्चों को बहुत दिक्कत हुई तो परिजनों ने पट्टी खोलकर देखा तो पूरा पैर काला पड़ गया था। आनंद फानन में परिजन बच्चों को मेडिकल कॉलेज बांदा ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अब इन दोनों मासूम बच्चों के पैर काटने पड़ेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही बच्चों के माता पिता सामान्य मजदूरी कर काम करते हैं और उनके एक ही औलाद है। ऐसे में वह ना तो अच्छा इलाज करा सकते हैं और ना ही भरण पोषण कर सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो दोनों बच्चों के पैर सूख चुके हैं, यदि उन्हें नहीं काटा गया तो पूरा पैर सड़ जाएगा। ऐसी दशा में जहां एक और मासूम बच्चे असहनीय तकलीफ को सहन कर रहे हैं तो वहीं माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद डॉक्टर पर कार्यवाही नहीं की गई। डॉक्टर की लापरवाही से 2 मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो गई, पर सिस्टम का फेर देखिए, कहीं कोई कार्यवाही नहीं हो रही और ना ही परिजनों की कोई सुध ले रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उमाकांत कुशवाहा है और मैं ग्राम बछौगा मालदा जिला से हूँ। मैं अपने बच्चे का इलाज करवाने जो है सरकारी अस्पताल में लाया था, जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ था साइकिल गिरने से। जहाँ पे वहाँ पे डॉक्टर ने गर्म पट्टी पैर से नीचे गांठ में बांध के और इतनी टाइट बांध दिया उन्होंने गर्म पट्टी की, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से बंद हो गया। और फिर उसके मैंने दूसरे दिन तुरंत फिर मैं जो है डॉक्टरों के पास लाया सरकारी चिकित्सालय में, तो वो डॉक्टर नहीं मिले, दूसरे डॉक्टर मिले जिन्होंने मुझे तुरंत मेडिकल कॉलेज रिफ़र किया, जहाँ ला के OPD में मेरे बच्चे का तुरंत ऑपरेशन हुआ। और यहाँ ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे का भी पैर कटने की उंगलियों से उसका पैर काटने के लिए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो फिर घुटने से उसका पैर कटेगा, दो चीज़ें बता रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरे पास न तो उतना पैसा है मैं इलाज करवा सकूँ, और मेरे साथ जो मेरी वाइफ है वो भी इस समय प्रेगनेंट है। आप क्या काम करते हैं? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, पेंटिंग लाइन में मैं काम करता हूँ। और जो मेरे साथ मेरी वाइफ भी है, वो भी 6-7 महीने के प्रेगनेंट है, वो भी उनके भी दिमाग में बुरा असर पड़ रहा है, जो पेट में बच्चा भी उसमें भी बुरा असर। किस डॉक्टर ने इलाज किया था, नाम पता उसका? उसको उसका नाम नहीं सब पता है, लेकिन राइट पैर उनका विकलांग है, वहाँ पे जो सरकारी अस्पताल में देखते हैं उनका राइट पैर जो है एक विकलांग है और सांवले से है। उनका भी नाम मुझे कन्फर्म पता नहीं, क्योंकि मैं उस दिन से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ जा सकूँ, उनका नाम वगैरह पता कर सकूँ। जैसे ही मैं मुझे ये सब चीज़ें फ्री होगा तो उनका नाम पता। कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से जी लापरवाही हुई है सर, बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है, मेरे साथ भी हुई है, एक और बच्ची है ऐसे, उनको भी पट्टी बांधना मुझे जानकारी। कितने बच्चे हैं आपके? जी सर, एक ही बच्चा है मेरे पास, एक ही लड़का था। जी, एक ही लड़का। लड़के का नाम क्या है? सत्यम सर उसका नाम। अब बताओ उसका भविष्य सर खराब हो जाएगा, तो फिर बताओ मैं कैसे पढ़ाई लिखाई उसको करवाऊंगे, तो पैर उसका सही रहता था, छोटी मोटी सर्विस कुछ भी कर लेता, लेकिन अब बताओ मेरे पास इतनी समस्या है, दिक्कत है। बांदा से राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट।